के प्राण प्रतिष्ठा ने लोगों को एक सूत्र में बांधा पूरे देश। भारत के जीवंत लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट के 75वें स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। सम्राट और विजय ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। लोजपा रामदलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की नीतीश कुमार के इस्तीफे पर आई प्रतिक्रिया, बोले ये एक खुशी की बात है। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर नेताओं की प्रतिक्रिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पहले से पता था। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। आज मन की बात कार्यक्रम का 109वां एपिसोड का प्रसारण किया गया। वहीं आज मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार 26 जनवरी की परेड तो कमाल की थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा परेड में नारी शक्ति को देखने की रही। जब केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर मार्च करना शुरू किया तो हर कोई गर्व से भर गया। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने देश के करोड़ों लोगों को एक साथ ला दिया। समान भावना, समान भक्ति, हर किसी के शब्दों में राम है और राम सभी के दिलों में है। इस दौरान कई लोगों ने राम भजन गाए और उन्हें श्री राम को समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई और दिवाली मनाई। देश ने एक सामूहिक शक्ति देखी जो भी बनती है विकसित भारत की हमारे प्रतिज्ञा का आधार। हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्रों को स्थान दिया था। प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चतम न्यायालय की हीरक जयंती समारोह का रविवार को उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को लगातार मजबूत किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय ने निजी अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी पर अनेक अहम फैसले दिए जिससे देश के सामाजिक राजनीतिक परिवेश को नई दिशा मिली। आज बनाए जा रहे कानून आगे आने वाले वक्त में भारत को और मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया है। दो दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75 वर्ष के में प्रवेश किया है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आना अपने आप में सुखद है। मैं आप सभी न्यायविदों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। ऐसे में आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने न दें। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रेवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर से संभाल ली। रविवार को बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ने नीतीश कुमार को सीएम पद के पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। सीएम की कुर्सी संभालने से पहले रविवार को नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया और नाता तोड़ते हुए राजभवन जाकर इस्तीफा दिया था। इसके बाद पहले उन्हें जेडीयू विधायक और फिर एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नीतीश कुमार समेत 9 लोगों को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम की कुर्सी भाजपा कोटे से दिन दो चेहरों को मिली है। उनमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल है।
नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ने शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के घटक दल के भी सभी नेता मौजूद रहे, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी शामिल रहे। ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी है। रविवार 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजभवन में आयोजित समारोह में नीतीश ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि मैं एनडीए सहयोगी के रूप में आज शपथ समारोह में शामिल होऊंगा। ये एक खुशी की बात है कि एनडीए बिहार में सत्ता में आ रही है। हमारा भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है। मैंने पहले भी कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ मेरे नीतिगत मतभेद रहे हैं और अब भी हैं। अगर उनकी नीतियों के मुताबिक काम चलता रहा तो आने वाले समय में भी शायद मतभेद जारी रहेंगे। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि उनकी नीतियों से बिहार में विकास नहीं हो पाया है। लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीजों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दे, उसके बाद पुनः वो शपथ। उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश के इस्तीफे के साथ ही बिहार में 17 महीने पुरानी महागठबंधन सरकार गिर गई है। वहीं विपक्ष के इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका लगा है। अब नीतीश कुमार के इस्तीफे पर अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कहा है कि जा रहे हैं तो जाने दे, हम तुम मिलकर लड़ लेंगे। हमें ये भी सोचना है कि वो हमारे हाथ से जा रहे हैं या फिर मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि सभी को अपने साथ रखने का। बाकी हमें पहले से मालूम था कि ये होने वाला है। तेजस्वी यादव ने पहले ही बता दिया था कि ये आया राम गया राम है। गठबंधन पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि इससे पता चलता है कि ये सब पूर्व नियोजित था। अरे इसका मतलब यही है कि इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया। जब क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता,
जो एक दिन दो दिन में ही होने वाला है, पहले ही वो बात किए होंगे, पहले ही कंडीशन रखा होगा, तभी तो ये हो गए। तो ये जो है आज तक हमको डार्क में रखे, और इवन लालू प्रसाद जी को भी डार्क में रखे, और सडनली उन्होंने अपना डिसीजन बोल दिया। डिसीजन तो पहले ही तैयार कर लिया था, तो ये हमको तो लग रहा था 5 दिन पहले ही मेरे को लालू प्रसाद ने कहा था ये तो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन अपने को अपनी तैयारी करना है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।